ये लड़का यहाँ पर इस बोट के अंदर एक जिब्रा और एक हाइना के साथ फंस जाता है और वो हाइना उस लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ आना चाहता है लेकिन उसके पैरों में इतनी जान नहीं होती है। लेकिन तभी लड़का देखता है कि एक चिंपांजी भी चिल्लाता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसे ये लड़का एक लकड़ी के सहारे बोट के अंदर चढ़ा लेता है और उन्हें देखने लगता है। अब लड़का एक बाल्टी को लेकर उस बोट को जोर जोर से पीटने लगता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी अंदर से वो हाइना निकल के बाहर आ जाता है और फिर से उसे खाने के लिए उस पर वार करने लगता है, लेकिन वो लड़का उसे जैसे तैसे करके रोक लेता है। फिर वे सभी आराम से बैठ जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर रात हो जाती है, लेकिन हाइना को बहुत तेज भूख लगी होती है इसलिए वो उस जेब्रा को मारने लगता है और उसे मारकर खा जाता है। अब सुबह हो जाती है और वो लड़का बोट पे पड़े सामान को देखने लगता है, लेकिन तभी वो हाइना फिर से बाहर निकल कर आ जाता है और इस बार वो चिंपांजी को मारने लगता है और कुछ ही देर में उसे भी मार देता है। अब लड़के को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है इसलिए वो उसे मारने के लिए एक चाकू बाहर निकालता है, लेकिन तभी अंदर से एक टाइगर निकल के आता है और वो उस हाइना को जान से मार डालता है।